हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आप लोग ये वीडियो फुल देखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए गाइस, अभी असम में पट्टा के लिए बहुत आवेदन शुरू हो चुका है, बहुत आवेदन भी हो चुका है किसी का, और अभी डॉक्यूमेंट का बात भी आता है गाइस। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो गाइस आप लोग चेक कर सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को देखिए, पहले का कास्ट सर्टिफिकेट इस तरीके का होता था, आप लोग देख लीजिए एक बार, और अभी का जो कि भूमि पुत्र सर्टिफिकेट ओरिजिनल देखिएगा ये है, आप लोग देख सकते हो ये है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। और देखिएगा ये तो हो चुका है, ये भी कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है ये भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट किसी का कॉमेंट भी आया है गाइस जो कि VLMCC क्या होता है। अभी देखिए गाइस VLMCC क्या होता है, और उसके बाद और एक कमेंट है एफिडेविट किस तरीके से टाइपिंग करें, तो देखिए गाइस ये भी आया था एक कमेंट, और भी कमेंट है देखिए गाइस। तो गाइस ये मुझे आप लोगों को सिखाना चाहिए, जो कि मैं वीडियो के मदद से आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा। बट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए नए वीडियो पाने के लिए। तो देखिए गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, अगर आपका फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए आपका फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो गाइस आप लोग भूमि पुत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। बट अगर नहीं है तो देखिए गाइस आपको रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो भी मैं बता चुका हूँ, चेयरमैन के पास आपको मिल जाएगा, आपका नियरेस्ट जो भी है चेयरमैन, तो उनके पास जाके आप लोग इजीली ले सकते हो। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं है रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग का सर्टिफिकेट, अगर ये नहीं है तो देखिए गाइस आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड ये फॉर्म आपको देने वाला हूँ। तो देखिए गाइस ये है फॉर्म, तो ये फॉर्म है जो कि OBC का, जो कि रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग का सर्टिफिकेट, अगर फादर का नहीं है तो ये चाहिए। और यहाँ में आपको क्या क्या लिखना होता है और क्या क्या इसमें फिलअप करना होता है, और ये कहाँ जाके आपको सिग्नेचर सील लगाना है, ये हमें ऑलरेडी लिखा है नीचे में, आप लोग क्या देख सकते हो। अगर ये फॉर्म चाहिए आपको, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए कास्ट सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट लिख के एक मैसेज दे दीजिए, मैं आप लोगों को ये इसका PDF दे दूंगा। अगर आपका अभी फादर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप लोग ये रिकमेंडेशन ढूंढ रहे हो तो गाइस मैं ये दे दूंगा आप लोगों को, बट आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग का सर्टिफिकेट, इसका मैं PDF दे दूंगा, और आप लोग सिंपली ये फिलअप करके, यहाँ में प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑथोराइज पर्सन है, और जो कि ये आपको चेयरमैन के पास जाना होगा, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, तो उनके पास जाके ये आप लोग सील लगाइए, इसमें सिग्नेचर वो लोग कर देंगे और आपका ये इजिली वैलिड हो जाएगा, और आप लोग इजिली का सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हो। तो गाइस ये भी हो चुका है गाइस। अभी देखिए गाइस VLMCC क्या होता है, VLMCC मान लीजिए हेड ऑफ मुखिया, गांव बूढ़ा बोलते हैं उसको, तो उनका यहाँ में सिग्नेचर चाहिए, और उसके बाद इसमें देखिए गाइस यही सारा कुछ लिखा होता है, नाम अपना लिखना होता है, और 10-10 तक अपना गाँव का जो भी है आपका नई बार पर्सन उनका यहाँ में सिग्नेचर चाहिए, ये अपना ही मिट्टी है लैंड है, तो वो सबके लिए ये चाहिए। और ये VLMCC का आप लोग इसका फुल मीनिंग क्या है देखिए गाइस, विलेज लैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कमिटी, विलेज लैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कमिटी, उस कमिटी का सब कुछ आपको यहाँ में सिग्नेचर करना होगा, ये है VLMCC, पट्टा के लिए ये भी चाहिए, तो ये भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ये भी PDF दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे VLMCC रिकमेंडेशन फॉर इशूइंग का सर्टिफिकेट लिख के भेज देते हो तो गाइस मैं आपका मैसेज देखूंगा, और उसके बाद इजीली आपको ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा, PDF के साथ PDF दे दूंगा आप लोगों को, और आप लोग इजीली भर के उसको इजीली प्रिंट आउट निकल के आप लोग कर सकते हो अपना काम। तो देखिए गाइस अभी बहुत सारा का ये है, अभी 100 रुपीज का जो कि ई स्टम्प पेपर, तो वो आप लोग इजीली ऑनलाइन भी उसको बनवा सकते हो, और वो बना देने के बाद आपको देखिए गाइस
टाइपिंग करना होता है, जो कि एक A4 साइज पेपर में, नॉर्मल पेपर में आप लोग टाइपिंग कर सकते हो, और वहाँ में आप लोग को क्या क्या टाइपिंग करना होता है, मतलब एफिडेविट कैसे बनाना है, तो उसका फॉर्मेट अगर आपको चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। बट देखिए गाइस क्या क्या लिखना होता है और क्या क्या, मतलब ये देखिए गाइस, ये एफिडेविट मतलब मैंने इसका फॉर्मेट लिख के मैं रख चुका हूँ। और बट आपको यहाँ में सिग्नेचर एडवोकेट का, मतलब यहाँ में वो चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके बाद आपका मतलब डेपोनेंट आपका सिग्नेचर, उसके बाद हमें मैजिस्ट्रेट मतलब मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर करवाना है आपको, ये खुद ही करवाना है। और ये आप लोग इजीली अपना स्टाम्प पेपर पर प्रिंट कर सकते हो, अगर ई स्टाम्प नहीं है तो गैस आप लोग ऑफलाइन ही उसको खरीद के, मतलब ये आप लोग प्रिंट कर सकते हो ये फॉर्मेट को, और इजीली वो भी वैलिड हो जाएगा। बट ये स्टाम्प पेपर 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में आपको ये प्रिंट करना होगा। और अगर ऑनलाइन का है तो गैस आप लोग इस तरीके से, जो कि ये आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से नॉर्मल मतलब A4 साइज पेपर में भी आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हो, तो ये भी वैलिड होगा। तो देखिए गाइस ये सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए मैं ये सब कुछ PDF दे दूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके का नया नया वीडियो पाने के लिए, तो ये सब डॉक्यूमेंट होने के बाद आप लोग इजीली पट्टा के लिए अप्लाई कर सकते हो। वरना गाइस देखिए आप अगर किसी के साथ जाओगे तो देखिए गाइस आपको मतलब पैसा पे करना होगा उनको, उसके बाद ही आपको मतलब ये सब कुछ मिलेगा, वरना आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग खुद से ही बनाना सीख जाए, तो ये है मेरा वीडियो बनाने का रीजन। तो चलिए गाइस मेरा आज का वीडियो में ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।